देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 10 सेंटीमीटर फोकसांतर के उत्तल लेंस, लेंस कैसा है, उत्तल है, ठीक है। जब उत्तल लेंस है तो आप सबसे पहले एफ लिख देंगे, एफ उत्तल लेंस में एफ क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब ये आपका यू दिया हुआ है, और यू क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है, और रखे 2 सेंटीमीटर ऊंचे, ये आपका बिम की ऊंचाई है, एच वन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला, देखो बिम के प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपको बोल रहा है फी निकालना है, ठीक है। आकार एच वन है तो एच टू पता करना है, ठीक है। प्रकृति, प्रकृति और आवर्धन सेम चीज़ है, ठीक है, मतलब यहाँ पर एम पता करना है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, तो देखिए कैसे करते हैं फिर। देखिए यहाँ पर आप यू और भी, मैंने एफ दिया हुआ, यू दिया हुआ, तो भी निकालना है, तो यहाँ पर हम लेंस सूत्र का यूज करेंगे। लेंस सूत्र से क्या होता है, लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। अब देखिए 1/v, भी तो पता नहीं है आपको, 1/u, यू आपका है -15 और f आपका है 10, दिस इंप्लाइज 1/v, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1/15, 1/10, देखो 1/v ये माइनस प्लस को ले जाएगा उस साइड, ये हो जाएगा माइनस में, आगे 1/v। अब इन दोनों का हम लोग लासा करेंगे, 10 और 15 का लासा होता है कितना, 30, 30 को 10 से भागा देंगे तो 3 होगा, और 30 को 15 से भागा देंगे 2 होगा, 2 एकम 2, 1/v, 3 में से 2 गया 1, 1/30, भी गुना 1 भी 1 30, मतलब भी आपका आ गया, इसका स्थिति आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको चूंकि अब m निकालिए, m क्या होता है, v/u होता है, तो भी का बिंदु 30 आ चुका है, और u आपका -15 है, 15 कम 15 15 30, तो -2, ये -2 आ गया, तो आगे देखिए फिर m भी निकल गया। अब चूंकि m बराबर -2 आया है, और m का वैल्यू ये भी होता है, h2/h1 भी होता है ना, h2 आपको निकालना है, और h1 आपको दिया हुआ है 2, यहाँ लिख दो 2 माने 2/1, मतलब h2 बराबर -4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो अब हम देखना यहाँ आपको प्रतिबिंब की स्थिति, तो आप यहाँ लिख देंगे स्थिति, भी कहाँ है, क्या बना है, भी का मान कितना आया 30, तो इसका 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा पहला। फिर यह कह रहा है क्या, आकार, आकार, आकार का मतलब देखो ये आपको कितना 2 सेंटीमीटर था, ये कितना बना आपका 4 बना, जस्ट दुगुना बना, ये 2 आया है -2 दुगुना बनेगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्या, दुगुनी, अब अगले में लिख दो 4 सेंटीमीटर, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको कह रहा है क्या, प्रकृति, देखो प्रकृति, प्रकृति पता कहाँ से चलेगा, देखो ध्यान से, m का वैल्यू क्या है, माइनस में है, माइनस मतलब वास्तविक, एवं उल्टा, ठीक है। और यहाँ आवर्धन पूछा है, आवर्धन देखो आवर्धन कितना है, m 2 सेंटीमीटर लिख देंगे हम लोग, खाली 2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर तो हम लोग बाकी मेंशन कर दिए, ठीक है। तो ये अब सारा सब क्या होगा, आपका आंसर होगा,